बहादुरगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया तो नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव जीतकर बहादुरगढ़ के सभी 33 वार्डों के समान विकास कार्य करवाने का कार्य किया जाएगा। नगर परिषद के जरिए आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। ये बात चेयरपर्सन पद के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी वैशाली अरुण खत्री ने अपने जन आशीर्वाद समारोह में कही। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने वैशाली अरुण खत्री को जीत का आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि हम समर्थन, आशीर्वाद, सहयोग और वोट से वैशाली अरुण खत्री को भारी वोटों से जिताकर नगर परिषद में चुनकर भेजने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर कांग्रेस नेता अरुण खत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और विधायक राजेंद्र जून के कुशल मार्गदर्शन और बहादुरगढ़ शहर की जनता के आशीर्वाद से नगर परिषद का चुनाव जीतकर कांग्रेस को जीत दिलाने का काम करेंगे। आज हम सभी जो हमने मुद्दे थे जनता के हितों के लिए, जो हमने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी से, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से और हमारे विधायक हल्के के विधायक राजेंद्र जून जी से हमने सीखा था कि किस प्रकार किस एक टीम को तैयार किया जाता है, उसी पर चलते हुए हमने एक टीम को तैयार किया और जनता के हितों के मुद्दों के लिए हमने लगातार 4 साल से आवाज़ उठाई, चाहे कोरोना काल में किसान आंदोलन में हो, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी को लेकर हो, भ्रष्टाचारी को लेकर हो, और नगर परिषद में जो आम जनता के हितों हैं के लिए हमने, चाहे विकास शुल्क के नाम पर हो, चाहे सफाई के टेंडरों के लिए हो, गलियों को बनवाने के लिए हो, सीवर की ब्लॉकेज के लिए हो, या ट्रांसफार्मर के लिए हो, महिलाओं की पेंशन या बुजुर्गों महिलाओं की पेंशन के लिए हो, गुलाबी कार्ड बनवाने के लिए हो, हम हमेशा तत्पर उनके साथ खड़े रहे और एक टीम के रूप में हमने टीम दीपेंद्र के रूप में हमने काम किया और आज हम टीम दीपेंद्र के रूप में हमने यहाँ पर राधे फार्म में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जिसमें हमारे बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता साथी नेतागण वरिष्ठ नेतागणों ने हमें दंपत्ति को आशीर्वाद देकर जीत का आशीर्वाद दिया।